नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूँ आपका सी डॉट न्यूज। कोरोना का प्रकोप कुछ समय के लिए मानो थम सा गया था, जहाँ हालात सामान्य लगने लगे थे और एंडेमिक यानी महामारी के समाप्त होने की चर्चा होने लगी थी। लेकिन एक बार फिर से विदेशों में कोरोना से संक्रमित होने की खबरें सामने आने लगी, जो कि बहुत ज्यादा भयावह है। ताजा खबरों के मुताबिक चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को 2 कोविड-19 मौतों की सूचना दी है, जो कि उत्तर पूर्वी जिलिन प्रांत में हुई, जिसके बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 4,638 हो गई है। जनवरी 2021 के बाद से मरने वालों की संख्या में पहली बार वृद्धि हुई। ओमिक्रॉन का सब वेरियंट ओमिक्रॉन B2 है, जिसे स्टील्थ ओमिक्रॉन के नाम से जाना जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि मूल ओमिक्रॉन की तुलना में ये 1.5 गुना ज्यादा संक्रमित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक BA2 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना है। इसी के कारण चीन में हाहाकार मचा हुआ है। चीन के वुहान से 2019 के अंत में फैले संक्रमण के बाद से अब तक 4,636 लोगों की मौत हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।